आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम अमन चंद्राकर है। जैसे कि हम जानते हैं, पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं मारुति की गाड़ी टिन का डब्बा है, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसा प्रूव हुआ है एक एक्सीडेंट में, जिसमें होता क्या है, जब मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर जाती रहती है राजस्थान में, उसके पीछे रहती है महिंद्रा की XYLO। तो होता क्या है, जो स्विफ्ट डिजायर के जो ड्राइवर रहते हैं वो अचानक से पैनिक ब्रेक मारते हैं, जिसके कारण गाड़ी अच्छा खासा स्पीड में रहता है, जिसके कारण जो XYLO वाला रहता है वो जाके पीछे से लड़ जाता है मारुति डिजायर के। तो उससे होता है क्या है, आप देख सकते हैं गाड़ी का, मारुति डिजायर का पीछे का भाग पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसका पिलर C, पिलर D पूरा डैमेज मुड़ जाता है, और जो उसका बूट रहता है वो भी पूरा बैंड हो जाता है, अंदर की तरफ घुस जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं। XYLO की बात करें तो उसका लेफ्ट फ्लैंडर, लेफ्ट बम्पर, लेफ्ट हेडलाइट डैमेज बस हुए रहते हैं। XYLO का बोनट भी डैमेज हुआ रहता है, लेकिन स्विफ्ट डिजायर के मुकाबले तो इसमें XYLO में बहुत ही कम डैमेज हुए रहते हैं। और जो उस टाइम स्विफ्ट डिजायर में बस एक ड्राइवर ही रहता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जो उसके ड्राइवर रहते हैं उनका डिकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर सपोज उसमें कोई बंदा और रहता उसके पीछे के साइड, तो आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल होता। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और मेरे वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देख के ही गाड़ी सेलेक्ट करें, और सेफेस्ट कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।